हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चेतना पाटीदार इन योर साइंस टीचर्स। आज हम डिस्कस करते हैं 10th क्लास का चैप्टर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अब हम देखते हैं कि हमारे जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। जो एसिड्स होते हैं दीज आर सोर इन टेस्ट। जो हमारे एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। दे गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ये हमारे जो एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन मतलब जो जलीय सोल्यूशन होता है उसमें H+ आयन देते हैं। अब हम देखते हैं एसिड्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और सेकेंड होता है वीक एसिड। एसिड तो हमारे जैसे HCl, H2SO4, CH3COOH ये सब क्या है, एसिड्स होते हैं। लेकिन इसमें टू टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं मतलब बहुत जल्दी जो रिएक्ट कर जाते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में क्या आएगा, एक तो हमारा HCl आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा रहता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम देखते हैं वीक एसिड, वीक एसिड मतलब CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका नेम क्या होता है एसिटिक एसिड। ये क्या होता है वीक एसिड, मतलब किसी भी रिएक्शन में हम अगर इसके रिएक्ट करवाएंगे तो ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, एक कमजोर एसिड होता है। यह हमारा एसिड कंप्लीट हुआ जिसमें क्या होता है सोरिन टेस्ट रहता है और ये हमारे लिटमस पेपर को चेंज करता है। जो लिटमस होता है वो एक इंडिकेटर का काम करता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एसिड है वो कितने टाइप का होता है। फर्स्ट होता है इसमें कॉन्सेंट्रेट एसिड, कॉन्सेंट्रेट एसिड, और जो सेकंड होता है वो क्या होता है डाइल्यूट एसिड। कितने टाइप के एसिड हो गए हमारे, टू टाइप के, कॉन्सेंट्रेट एंड डाइल्यूट एसिड। अब कॉन्सेंट्रेट एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, क्वांटिटी ज्यादा होता है, क्या होता है इसमें एसिड मैक्सिमम, एंड जो वाटर की क्वांटिटी होती है वह मिनिमम होती है। वाटर मिनिमम होता है, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और वाटर की मिनिमम होती है। अब हम डाइल्यूट देखते हैं, डाइल्यूट एसिड में क्या होता है एसिड मिनिमम, एसिड की मात्रा मिनिमम होती है और जो वाटर होता है वो अधिक क्वांटिटी में होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है वाटर होता है, तो वाटर की मात्रा क्या हो जाएगी इसमें मैक्सिमम हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम डाइल्यूट एसिड। क्या हुआ कॉन्सेंट्रेट में, क्या हुआ एसिड ज्यादा रहता है और उसमें वाटर मिला हुआ है लेकिन वाटर कम मात्रा में रहता है, और जो डाइल्यूट एसिड रहता है उसमें क्या होता है एसिड मिनिमम होता है और वाटर मैक्सिमम होता है, मतलब वाटर की क्वांटिटी इसमें ज्यादा होती है। आया इतना समझ में सभी को। अब हम देखते हैं बेस, बेस का बेस क्या होता है यहाँ पर क्षार, एसिड का अम्ल होता है और बेसिक का क्षार। जो हमारे बेस होते हैं वो क्या करते हैं, बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं ये कड़वे होते हैं, बिटर का मीन्स होता है यहाँ पर कड़वा। जो बेस होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और ये क्या करते हैं रेड लिटमस ब्लू, ये हमारा जो लिटमस पेपर होता है उसको रेड लिटमस से ब्लू में चेंज कर देते हैं। लिटमस का मीन्स मैंने यहाँ पर पहले भी बताया है कि लिटमस का मीन्स होता है यहाँ पर इंडिकेटर, किसी भी इंडिकेटर का काम होता है कि वो कलर को चेंज करता है, तो क्या करेगा बेस रेड कलर से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है इसमें थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका, दे गिव OH आयन, ये क्या करते हैं दे गिव OH आयन एक्वस सॉल्यूशन, मींस ये है कि जो हमारा बेस होता है वो एक्वस सॉल्यूशन जलीय सॉल्यूशन में क्या होता है OH आयन देता है, OH आयन देता है, ठीक है। ये हमारा हुआ बेस कंप्लीट। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में क्या आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा हम देखते हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
ये सब हमारे क्या है, बैस के एग्जाम्पल है। ये हमारा बैस कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हमारा है मेटल। क्या देखेंगे हम, फर्स्ट रिएक्शन किससे करवाएंगे, मेटल से। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। पहले हम एसिड से अगर रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स की, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले हमने लिया यहां पर कोई सा भी एसिड, एसिड की रिएक्शन हम मेटल से करवाते हैं, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता है वो हमको निकालना है। चलो कोई सा भी एक एसिड लेते हैं हम, HCl। HCl की रिएक्शन अगर हम जिंक से करवाते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 लिखते हैं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, इस Zn की रिएक्शन Cl से करवाएंगे। Cl के पास कितने हैं, 2, तो Zn Cl 2 प्लस में हमारा निकलेगा H2। ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है, ये क्या हुआ, एसिड और मेटल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। इसी प्रकार सेम हम रिएक्शन ऑफ मेटल भी एसिड की सेम बेस की करवाते हैं। आइए उसकी रिएक्शन भी देखते हैं यहां पर। बेस, अब यहां पर हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड की जगह पर लेते हैं हमारा बेस। अब बेस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एग्जांपल में NaOH, ये NaOH लिया और इसकी रिएक्शन हम जिंक से करवाते हैं। जिंक से करवाई तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, Na2ZnO2। ये बना प्लस में S2 निकल गया। ये हुआ हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। सेम उसी प्रकार सेकंड रिएक्शन को हम देखते हैं। मेटल के साथ रिएक्शन होने के बाद सेकंड प्रोसीजर आती है इसकी, मेटल कार्बोनेट। क्या करते हैं हम, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। अब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं अब एसिड की। पहले लिया हमने कोई सा भी एक एसिड, प्लस में रिएक्शन करवा दी इसकी मेटल कार्बोनेट से। अब यहां पर लिख दिया मैंने मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट क्या होता है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, मेटल कार्बोनेट्स। अब इसमें एसिड हमने फिर से HCl ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने मेटल कार्बोनेट मतलब Na2CO3। Na2 मेटल है और कार्बोनेट CO3, तो ये हो गया हमारा मेटल कार्बोनेट। अब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बना फर्स्ट में, फिर इसमें से एक CO2 गैस निकलती है, प्लस CO2 प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल्स निकलता है। अब इसमें क्या करा, जैसे कि ये CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद एक सॉल्यूशन हमारा क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब अगर हम इसकी एसिड की जगह पर बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, बेस मेटल कार्बोनेट से अगर इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें क्या होता है, जो बेस होता है वो कभी भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जो बेस होता है वो क्या करता है, डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स। कभी भी हमारा जो मेटल कार्बोनेट्स होता है वो बेस से रिएक्ट नहीं करता है। इतना आया समझ में सभी को, केमिकल प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट था हमारा मेटल कार्बोनेट्स। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शन वाटर से करवा के। अब निकालना है रिएक्शन ऑफ वाटर
विथ एसिड। क्या करते हैं हम किसी भी रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो क्या बनेगा? अब यहां पर एसिड प्लस वाटर, कोई सा भी आयन बनेगा यहां पर, लेकिन क्या बनेगा वो हमको निकालना है। अब हमने इसमें एक एसिड ले लिया HCl, HCl की रिएक्शन अगर हम वाटर से करवाते हैं क्या बनेगा, इसमें हमारा जो मॉलिक्यूल है वो H3O प्लस आयन बनेगा, प्लस में Cl आयन, क्लोरीन आयन बाहर हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा हाइड्रोनियम आयन, क्या बनता है इसमें हाइड्रोनियम आयन। HCl की रिएक्शन H2O से करवा दी हमने, किसी भी एक वाटर मॉलिक्यूल से करवाते हैं तो हमारा H3 ये वाला जो H है हमारा ये इधर की साइड आ जाएगा, तो क्या हो गया H3 और O प्लस, और प्लस में जो Cl है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो निकल जाता है, तो हमारा जो आयन बनता है वो होता है H3O प्लस, मतलब हाइड्रोनियम आयन। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस, बेस हमारा क्या है इसमें, अभी हमने जस्ट पढ़ा था बेस की रिएक्शन हम वाटर से करवाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा। अब यहां पर मैंने एक बेस लिया है NaOH, NaOH की रिएक्शन अगर हम H2O से करवाते हैं तो क्या होगा, हमारा जो NaOH है ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन करता है यहां पर, इसमें Na प्लस चार्ज में और जो OH रहता है वो नेगेटिव चार्ज के रूप में बाहर निकल जाता है, तो इसमें क्या बना हमारा Na प्लस सोडियम आयन प्लस OH आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। यह हुआ हमारा एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब हम इसमें देखते हैं कि सॉल्ट्स, एसिड और बेस के बाद में हमारा आता है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं हमारे, जो एसिड और बेस दोनों को मिलाकर बने होते हैं उनको बोलते हैं हम सॉल्ट। यहां पर क्या होता है एसिड प्लस बेस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं यहां पर सॉल्ट। ये आया हमारा सॉल्ट। अब हमारा सॉल्ट में जैसे कि हमने कोई सा भी एक एसिड ले लिया और बेस ले लिया, दोनों की रिएक्शन अगर करवाते हैं जैसे कि Na प्लस आयन और प्लस में Cl आयन, Cl हमारा बेस के रूप में कार्य कर रहा है, इन दोनों को अगर हम बनाते हैं तो हमारा बनता है यहां पर NaCl सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। NaCl का फुल फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड। ये हुआ हमारा बेस, सॉल्ट्स में सोडियम क्लोराइड। क्या करा इसमें हमने, एक सोडियम आयन लेते हैं उसकी रिएक्शन हम क्लोरीन आयन से कर पाते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो NaCl सोडियम हाइड्रो सोडियम क्लोराइड कंप्लीट होता है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और हम सॉल्ट्स लेते हैं Na प्लस और प्लस में OH आयन, इसका हमारा सॉल्ट्स क्या बनेगा NaOH, ये भी एक सॉल्ट्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम देखते हैं इसके केमिकल फ्रॉम सॉल्ट्स, कौन कौन से केमिकल्स हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा केमिकल्स, केमिकल सॉल्ट्स, इसमें क्या आएगा, फर्स्ट है हमारा NaOH, NaOH का मीन्स होता है यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो सेकेंड नेम्स होता है वो है कास्टिक सोडा, इसको हम घर में भी यूज करते हैं, क्या होता है इसका सेकेंड नेम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। अब हम इसकी आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट में हम लेते हैं Na प्लस आयन, सॉरी NaOH की रिएक्शन में पहले लिया हमने Na प्लस आयन प्लस में एक OH आयन, अगर इन दोनों की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बनता है यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा। इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, कास्टिक सोडा का यूज या फिर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम सॉप्स बनाने में,
एंड डिटर्जेंट्स बनाने में किया जाता है। अपने घर पे यूज करते हैं सभी सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स जी, उसको बनाने में कास्टिक सोडा का यूज होता है। सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है इसका, और बेकरी के रूप में भी यूज होता है इसका। सॉप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है और बेकरी के रूप में यूज होता है। और थर्ड है इसका पेपर मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा क्या है? पेपर मैन्युफैक्चरिंग मीन्स पेपर बनाने में भी हम कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। पेपर है, और सेकंड फोर्थ है हमारा ऑयल रिफाइनिंग, जो हमारा ऑयल होता है उसको शुद्ध करने के लिए, रिफाइन करने के लिए भी हम कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। ये हुआ हमारा NaOH कंप्लीट, ये हमारा केमिकल सॉल्ट्स है। अब हम सेकंड देखते हैं इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम तो सभी ने सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, हमेशा अपने घर में सुनते हो कि उसको प्लास्टर चढ़ाए उसको चढ़ाए, तो उसका ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला देखते हैं हम, CaSO4 कॉपर सल्फेट इंटू 1/2 H2O, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कि इसकी रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। रिएक्शन में क्या करते हैं हम, कॉपर सल्फेट लेते हैं CaSO4 × 2H2O, ये क्या हुआ हमारा कॉपर सल्फेट प्लस 2H2O। अब इसकी रिएक्शन अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वो बनता है, और प्लस में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है इसमें से, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल से। इस प्रकार इसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहां पर करते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका जो यूज होता है वो डॉक्टर्स अधिकतर यूज करते हैं। क्या होता है इसका यूजेस, किसी की भी हड्डियां टूट जाती है या बोन्स टूट जाते हैं तो बोन्स को वापस जोड़ने के लिए डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर चढ़ाता है। उसका जो यूज होता है वो क्या करता है, जो हड्डी होती है उसको जोड़ने में यूज होता है, तो उसका बोलते हैं डॉक्टर कभी भी टूटी हड्डी को जोड़ने में इसका यूज करते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है। उसके बाद होता है इसमें सेकंड टॉयज बनाने में, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज, टॉयज मतलब खिलौने बनाने के लिए, किसी भी सामान की डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन किसी भी सामान का हमने अगर डेकोरेशन करना है, किसी भी चीज की सजावट करनी है तो उसमें क्या होता है हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है इसमें खिलौने बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, और बॉन्स में मतलब डॉक्टर हड्डियों को बनाने के लिए। इसके बाद इसके अदर केमिकल सॉल्ट्स भी है, जो कि इसके अदर केमिकल सॉल्ट्स भी होते हैं। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। आज हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को शॉर्ट फॉर्म में समझा। Thank you so much.